नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की कई सीटों पर बसपा के जाति कार्ड खेलने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पश्चिमी यूपी में मायावती का एक खास वोट बैंक भी है। इसके अलावा सपा कांग्रेस से नाराज लोगों के भी बसपा की तरफ जाने की संभावना है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण की 8 में से एक बिजनौर सीट रालोद को दे दी है। इस पर रालोद ने चंदन चौहान को उतारा है। बीजेपी ने सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर अपने प्रत्याशियों पर दोबारा भरोसा जताया है। सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने भी चुनावी मोहरे सोच समझ कर चले हैं, लेकिन बसपा ने बहुत सही गणित लगाकर मुकाबलों को दिलचस्प बना दिया है। पश्चिम की कई ऐसे सीटें हैं जहां पर बसपा की स्थिति मजबूत है। कैराना सीट से भाजपा ने अपने सांसद प्रदीप चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने कैराना से लगातार तीसरी बार मौजूदा विधायक चौधरी नाहिद हसन की छोटी बहन इकरा हसन को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा की है। उनके परिवार का राजनीतिक रसूख ठीक ठाक है। बसपा की तरफ से श्रीपाल राणा मैदान में है। मुख्य मुकाबला इस बार प्रदीप इकरा और श्रीपाल राणा के बीच है। राजनीतिक विशेषकों का कहना है कि पश्चिमी यूपी मायावती का गढ़ जमाने से है, और अगर चुनावी ट्रैक को देखें तो बिजनौर और आसपास की सीटों पर उनका वर्चस्व रहा है। उन्होंने बताया कि बिजनौर में मायावती का उम्मीदवार सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा है, और बिजनौर सीट पिछली बार भाजपा हार गई थी, लेकिन इस बार ये सीट गठबंधन कोटे में रालोद के हिस्से में चली गई। 2019 में यहां से बसपा जीती थी। आपको बता दें कि बसपा की तरफ से चौधरी विजेंद्र सिंह इस बार उतरे हैं और सपा ने दीपक सैनी को उतारा है। ऐसे में सभी दलों से नए प्रत्याशियों के बीच इस बार मुकाबला होगा। चौधरी यहां के जाट नेता हैं, वो पहले रालोद में भी रह चुके हैं। बसपा के जाट कार्ड से इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस सीट पर जाटों की संख्या ठीक ठाक है। मायावती ने यहाँ से जाट मुस्लिम और दलित कार्ड खेला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।